माइनक्राफ्ट के सोल सैंड के अंदर आत्मा ट्रैप्ड है? अगर नहीं तो उनके ऊपर ऐसे डरावने फेसेस क्यों बने हुए हैं? एंड क्या माइनक्राफ्ट के केव्स में एक खतरनाक सा मॉन्स्टर रहता है? ये क्या बात करता है यार? इस आवाज को ध्यान से सुनना। क्या ये वो खतरनाक मॉन्स्टर की आवाज है? आज की वीडियो बहुत ही डरावनी होने वाली है, तो वीडियो के एंड तक तभी देखना अगर आपको डर ना लगता हो। पूछा किसी ने क्या आपके साथ माइनक्राफ्ट में कभी ऐसा हुआ है कि आप माइनक्राफ्ट खेल रहे हो और आपका गेम रुक जाए? लिटरली आप एक जगह पे अटक गए हो, बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहे हो। इसका मतलब आपके गेम में बिनी है। बिनी माइनक्राफ्ट का बहुत ही पुराना क्रिपी पास था जो कि फर्स्ट टाइम माइनक्राफ्ट वर्जन 1.9.4 में दिखा था एक 10 साल के बच्चे को। उसका कहना था कि उसने एक रैंडम सीड डालकर एक वर्ल्ड क्रिएट किया और क्रिएट करने के बाद वो एक रूम में स्पॉन हुआ जो कि बहुत ही अजीब लग रहा था, लेकिन उसके आसपास दूर दूर तक कोई नहीं था। उस वर्ल्ड में बहुत ज्यादा शांति थी, लिटरली किसी चीज की भी आवाज नहीं आ रही थी। फिर शाम हो गई तो उसने अपने लिए टूल बनाया एंड उसके बाद अपना एक छोटा सा घर बनाया। और जब सैंड इकट्ठा करने गया तो उसने देखा कि जिस जगह वो स्पॉन हुआ था वहाँ पे लाइट जल रही थी, तो उसने वहाँ जाने का प्लान करा और देखा कि वहाँ पे बेड पड़ा हुआ है और चेस्ट में आइटम है, लेकिन वो इस सिंगल प्लेयर वर्ल्ड में अकेला था। तो फिर उसने सोचा कि वो पूरे वर्ल्ड को एक्सप्लोर करेगा एंड फिर थोड़ी देर बाद उसे फिर अपने वर्ल्ड में एक अजीब सा घर दिखा जिसके अंदर कई सारे खाली चेस्ट पड़े हुए थे, लेकिन जब वो मुड़ा वो चेस्ट गायब हो गया। So weird. What the? फिर उसे लगने लगा कि उसके वर्ल्ड में कोई ना कोई डरावनी चीज जरूर है एंड थोड़ा आगे जाने के बाद उसका गेम रुक गया। लिटरली वो आगे पीछे कहीं नहीं जा पा रहा था एंड जब उसने वर्ल्ड का सीट देखा तो वो 1100 हो चुका था। एंड तभी अचानक से दिन हो गया और उसे पेड़ों के पास बिनी दिखा। टाइम अपने आप ही चेंज हो रहा था, कभी दिन तो कभी रात। एंड जब बिनी उसके पास आया तो उसका गेम कट गया और स्क्रीन उल्टी हो गई। बहुत सारे ऐसे स्क्रीन शॉट है जिसमें हम बिनी को साफ साफ देख सकते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि मैं भी बिनी को अपने वर्ल्ड में ढूंढूंगा, लेकिन उसके स्पॉन होने के चांसेस बहुत ही कम थे। तो फिर मैंने बहुत सारा वर्ल्ड क्रिएट करा, कई सारे सीट को ट्राई किया और डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे गया एंड लास्ट में मुझे ये वर्ल्ड मिला। तो मैं यहाँ पे स्पॉन हो चुका हूँ, रात हो रही है, बहुत ज्यादा अंधेरी और ये व्हाट, वो क्या वहाँ पे जल रहा है इतना गंदा? वो वहाँ पे पेड़ कैसे जल रहा है? लिटरली यार वहाँ पे पेड़ कैसे जल रहा है? यार यहाँ पे कोई बिनी है क्या? मुझे लगता है कि बहुत ढूंढने के बाद मुझे वो, ओ यार यहाँ पे तो लावा है, मे बी इसलिए यहाँ पे वो जल रहा होगा। यार मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। मैंने लिटरली बहुत सारे वर्ल्ड क्रिएट करे लेकिन अभी तक मुझे बिनी बिल्कुल नहीं दिखा है। यहाँ पे इतना बड़ा गड्ढा कैसे हुआ? यार ये विलेज बिल्कुल खाली लग रहा है, लिटरली यहाँ पे मुझे एक भी विलेजर नहीं दिख रहा है। ये ब्लड कैसा गिरा हुआ है यहाँ पे? ये ब्लड कहाँ जा रहा है? मुझे वहाँ पे जाके देखना चाहिए वहाँ पे क्या हो रहा है। ये यहाँ पे आग क्यों लगी है? ये किस, ओ माई गॉड, बिनी का ग्रेव, यानी कि इसी जगह बिनी मरा हुआ था। वॉट, ये क्या हो रहा है? ये यहाँ पे तूफान क्यों आ रहा है? वॉट, ये कैसे फट गया? मीटियोर ब्लास्ट हुआ क्या यहाँ पे? ये यहाँ पे मीटियोर कैसे गिरा और वो वहाँ पे क्या लिखा हुआ है? लीव माई वर्ल्ड। ओ वो वॉट, ये मैं कहाँ गिर रहा हूँ? ओ माई गॉड, ये मैं कहाँ गिर रहा हूँ अपने आप? इस इंसिडेंट के बाद मैं एडिटिंग कर रहा था और मुझे ये दिखा। आप लोग देख सकते हो गाइस, इस जगह पे मुझे बिनी दिखा हुआ ये रहा। अगर मैं इसे बढ़ाऊं, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, मेरे वर्ल्ड में बिनी स्पॉट हुआ है। तो फिर मैंने बहुत सोचा और लास्ट में डिसाइड करा कि मैं उस वर्ल्ड में दोबारा जाऊंगा। तो मैं वापस उस वर्ल्ड में आ चुका हूं और आप लोग देख सकते हो गाइस, यहीं पे वो गड्ढा था जहां पे मैं मरा हूं एंड इससे ये कंफर्म होता है कि इस वर्ल्ड में बिनी जरूर है। तो अब मेरा प्लान है कि मैं उस ग्रेव के पास दोबारा जाऊं और उसे मैं TNT से फोड़ दूं। अब ये TNT में What? Oh my God! मैं ये आगे पीछे क्यों नहीं जा पा रहा? मैं यहाँ पे अटक गया, मैं आगे पीछे क्यों नहीं जा पा रहा? Oh no! बिनी, नहीं, 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 नहीं। क्या आपको पता है कि क्या होगा अगर हम विलेजर और आयरन कॉलम को जोड़ दें? तो सबसे पहले यहाँ पे मिरर लगाते हैं ऐसे ऐसे, अब यहाँ पे रखते हैं एक विलेजर को, यहाँ पे लगाते हैं रेड स्टोन, यहाँ पे लीवर और अब 3-2 IPL देखो ही नहीं बल्कि अपने ओपिनियन देके काफी प्राइजेस जीतो, वो भी lotus365.in पे। यहाँ बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे जैसे हु विल विन द मैच और हु विल विन द टॉस, जैसा 50 तरह के क्वेश्चंस में अपना ओपिनियन बता के आप काफी प्राइजेस जीत सकते हो। lotus365 पे जाके रजिस्टर कीजिए और पाइए ₹365 का बोनस। यहाँ आपको मिलता है 1-to-1 24-hour कस्टमर सपोर्ट, यहाँ खेलते हैं 10 मिलियन से ज्यादा यूजर्स, यहाँ क्रिकेट के अलावा 200+ क्वेश्चन जहाँ आप अपने ओपिनियन दे सकते हैं और जीत सकते हैं अच्छे प्राइजेस। नवाजुद्दीन सिद्दीकी, उर्वशी रोटेला, सुनील शेट्टी, काजल अग्रवाल, नेहा शर्मा, ऐसे बड़े बड़े सेलिब्रिटी इनके ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो देर मत कीजिए, डायरेक्ट रजिस्टर कीजिए lotus365.in पे, यहाँ पे लीवर और अब 3-2 ये कैसा जोकर लग रहा है, लिटरली ये खली का चाचा लग रहा है।
सोल सैंड माइनक्राफ्ट का एक बहुत ही क्रीपी ब्लॉक जिसके ऊपर चलने से आपकी स्पीड धीरे हो जाएगी और इसके ऊपर ऐसे डरावने फेसेस बने हुए हैं। लेकिन इसके अंदर किसकी आत्मा ट्रैप्ड है? जब पिगलिन ओवरवर्ल्ड में आता है तो वो एक जॉम्बीफाइड पिगलिन में चेंज हो जाता है, यानी कि वो मर चुका है और उसकी आत्मा ओवरवर्ल्ड में कहीं गुम हो चुकी है। और वही पिगलिन्स अगर नेदर में मरते हैं तो उनकी आत्मा सोल सैंड में ट्रैप हो जाती है और इसीलिए जब हम उनके ऊपर चलते हैं तो वो हमें धीरे कर देते हैं और हमसे मदद मांगते हैं। लेकिन क्या हम इन्हें आजाद कर सकते हैं? अगर हम सोल स्पीड वाले जूते पहन के सोल सैंड पे चलें तो हमारी स्पीड तेज हो जाती है और पीछे से पार्टिकल्स निकलते हैं जो कि असल में वो सोल सैंड जो आजाद हो रही हैं। एंड एज अ थैंक वो हमें स्पीड देते हैं। अगर हम सोल सैंड को तोड़ें, कुछ आवाज सुनाई दी? क्या ये सोल के निकलने की आवाज है? अगर हम एसेसिबिलिटी सेटिंग में जाके सबटाइटल्स को ऑन कर लें तो अगर हम कोई भी हरकत करेंगे तो साइड में लिखकर आएगा। तो अगर मैं ब्लॉक तोड़ूं, आपने देखा सोल एस्केप्स, यानी कि ये बात बिल्कुल सच है। और जब मैं ब्लॉक पे चल रहा था तो मुझे किसी के बात करने की आवाज आ रही थी, जैसे कोई मेरे कान के पास आके मुझे कुछ बोल रहा हो। उस समय मेरे गूज़बम्प्स आ गए थे तो मैंने तुरंत गेम कट कर दिया क्योंकि उतनी रात को मुझे कोई रिस्क नहीं लेना था। बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। माइनक्राफ्ट के केव्स जितने ज्यादा बड़े हैं उनमें उतनी ज्यादा मिस्ट्रीज छुपी हुई हैं। इमेजिन आप रात में केव में माइनिंग कर रहे हो और आपको ट्रेन चलने की आवाज आए। ऐसे ही माइनक्राफ्ट में 19 डिफरेंट केव साउंड्स हैं। उन्हीं में से एक साउंड जिसका नाम cave14.ogg है, अगर हम उसे स्पेक्टोग्राम में रखें तो हमें एक ऐसा फेस मिलेगा। और क्या सही में अगर हम रात के 3 बजे माइनक्राफ्ट के केव्स में माइनिंग करें तो हमें एक खतरनाक सा ब्लैक एंटिटी दिखेगा? मैंने इसके बारे में अपने दोस्त आदि स्पॉट से पूछा और उसने ये बताया। हेलो आदि, तुम्हें कभी माइनक्राफ्ट के केव में कुछ अजीब चीजें दिखी हैं? भाई देखो, मैं श्योर तो नहीं, लेकिन एक बार जब मैं 3 बजे रात के माइनक्राफ्ट खेल रहा था ना माइनिंग करते समय, तो मुझे केव से पता नहीं क्यों ऐसी अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी थी, जैसे कोई चीख रहा था सब में। और तब बाद में जब जाके मैंने उस केव में और पूरे इधर उधर घूमा केव में, तो बाद में जाके मुझे एक बहुत ही अजीब सा ब्लैक एंटिटी दिखा अचानक से। उस जगह से भागने लगा तो मेरे कंट्रोल्स ऑटोमेटिकली अटक गए और मेरा पीसी अचानक से क्रैश हो गया था। और जब मैं वापस से गया ना उस वर्ल्ड में एंटर करने, मैंने देखा वर्ल्ड वहाँ पे है ही नहीं। तो फिर मैंने आधे स्पॉट से सीड मांगा और रात के 3 बजे मैं उस वर्ल्ड में गया। वेट, मैं यहाँ पे केव में स्पॉन हुआ हूँ और व्हाट, यहाँ पे एक चेस्ट है? व्हाट, वो क्या था वहाँ पे? मुझे किसी की आवाज आई यहाँ पे किसी के भागने की। बट ओके, मे बी यहाँ पे ये चमगादड़ होगा। यार अंधेरा सा हो गया यहाँ पे, टॉर्च लेते हैं यहाँ से। चलो अब मुझे थोड़ा सा दिख रहा है। What? ये कैसे गिरा यहाँ पे? ये अचानक से यहाँ पे स्पॉन हुआ। यार यहाँ पे कुछ ना कुछ तो अजीब लग रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है? लिटरली रात के 3 बजे माइनक्राफ्ट बहुत ही डरावना हो जाता है। बाहर भी अंधेरा और गेम में भी अंधेरा। ये आवाज कैसे सुनाई दी मुझे? ये कैसी आवाज है? वेट, मुझे यहाँ से आवाज आ रही है, मुझे यहाँ से आवाज आ रही है, मगर वो वॉइस किसकी है? ये वॉइस इस जगह से आ रही है। What? वो कौन है वहाँ पे? वो कैसे? What? ये क्या? ये क्या हुआ? ये क्या हुआ मेरे साथ? ये ऊपर से जमीन कैसे गिरी? और यहाँ पे कोई एंटिटी था, कहाँ गया वो? आप लोग बैक जाके दोबारा आप लोग देख सकते हो कि वो वहाँ पे क्या था। वो यही कहीं था, लेकिन वो कहाँ चला गया? ये क्या, ये कैसे हो रहा है? ये कैसे हो सकता है? ये पॉसिबल कैसे है? ये ब्लॉक कैसे गिर सकता है यार? एक तो इतना अंधेरा गेम में और यहाँ पे ब्लॉक गिर रहा है। यहाँ पे ये सारे चमगादड़ उल्टे क्यों उड़ रहे हैं? हाँ यहाँ पे कितना ज्यादा अंधेरा है इस वाले केव में, लिटरली एकदम अंधेरा है। वेट, वो कौन देख रहा है मुझे वहाँ से? What? ये क्या हुआ? मैं अंधेरे में, ये डार्क इफेक्ट ऐसे लग गया मुझे। What? Oh, ये कौन है? भाई भाई तुम कौन हो यार? जल्दी बताओ कौन? यार ये कौन? गायब हो गया ये ऊपर से लावा गिर रहा है। Oh my God. ये मेरी स्किन क्या हो गई? मैं हीरो बैंड कैसे बन गया? ये मेरी स्किन हीरो बैंड वाली कैसे बन गई? और मैं गिर गया, मुझे लगता है मैं मर। एंड वर्ल्ड में अगर आप एंड ड्रैगन को मारकर एंड पोर्टल में जाओगे तो आपको ये सेगमेंट मिलता है जिसको ज्यादातर लोग स्किप कर देते हैं, मगर इसमें मैंने अपना 8 मिनट खर्च किया और लास्ट में मुझे ये पता चला, द प्लेयर वोक अप फ्रॉम ड्रीम एंड प्लेयर बिगेन अ न्यू ड्रीम एंड प्लेयर ड्रीम्ड अगेन ड्रीम्ड बेटर, यू आर द प्लेयर वेक अप। तो क्या वो जो नेदर और केव में वॉइस आते हैं वो दूसरे डायमेंशन से प्लेयर हमें जगा रहे हैं? ये तो रही मेरी थ्योरी गाइस, मगर आपकी थ्योरी क्या है आप कमेंट में मुझे बताना। और वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखने का साहस दिखाया तो कमेंट में जरूर बताना। अच्छा।